SC/ST एक्ट के तहत तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी। केस दर्ज होने के पहले DSP स्तर पर होगी जांच। जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन, भाजपा पर साजिश का लगाया आरोप। हम आपको बता दें, मंगलवार 20 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने सुभाष काशीनाथ महाजन विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकरण में हाल ही में दिए गए फैसले के बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित के लोगों के बीच गंभीर संकट पैदा हो गया है। कांग्रेस मानती है RSS के दबाव में केंद्र ने समाज के निचले तबके के लोगों की ओर से मजबूती से उनका पक्ष नहीं रखा। वहीं कांग्रेस ने इस जाति के लिए 1989 में बेहतर मजबूत कानून बनाया था। हम आपको बता दें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम इन जातियों पर होने वाले अत्याचार के रोकथाम के लिए बनाया गया था। इसमें कठोर प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया है। रीवा जिला एवं शहर कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ ऑफिस में गए हुए थे हमारी सभी शहर कांग्रेस कमेटी, महामहिम राज्यपाल के नाम हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि इसमें जो है वो कार्रवाई करे। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछले कुछ दिनों पहले एक फैसला दिया, जिस पर उन्होंने SC/ST एक्ट पर बदलाव किया और उसमें गिरफ्तारी रोकने के साथ साथ बड़े अधिकारियों की जांच भी शामिल कर दी। और जैसा कि इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति जी ने बताया कि उसमें 89 में कांग्रेस ने जो पारित किया था उसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान भी कर दिया। तो ये सारी जो मंशा है सुप्रीम कोर्ट ने सो प्रेरणा से सुमोटो नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने जो रिप्रेजेंट किया है, जो RSS का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इन वर्गों की विरोधी है और जो कांग्रेस की सरकारों से प्रोटेक्शन उनको जो सेफ्टी नेट उनको मिलता था उसको उन्होंने ख़त्म किया है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है वो इन वर्गों के लिए और उनके वजह से बनी थी, तो उनको उनकी सुरक्षा के लिए जो भी प्रयास होगा। इसलिए आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी ने, शहर कांग्रेस कमेटी ने, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ये ज्ञापन उनको सौंपा है। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ पूरी तरीके से काम कर रही है। इस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से दर्शा दिया और निरंतर दिखाते चले आ रहे हैं कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ है, तो हैं ही, साथ में सामान्य वर्ग और हर वर्ग के खिलाफ हैं। जो बड़े लोग हैं उन्हीं के लोगों के साथ में हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो ज्ञापन देने का हमारा जो मकसद था वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो हम सभी को आदेश दिया उसके अनुरूप हम सभी लोगों ने ज्ञापन दिया। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यदि हम सभी लोग मिलकर नहीं हटाएंगे तो इसी तरीके से चाहे अनुसूचित जनजाति हो या हर जाति वर्ग का मनुष्य हो वो हमेशा परेशान ही रहेगा। प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी का रीवा जिले के कांग्रेस के जन लोग आज कलेक्टर को एक ज्ञापन देने गए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय हुआ था जिसने जो पहले हरिजन आदिवासियों के ऊपर जो लगाया जाता है अत्याचार उस पर गिरफ्तारी पहले हो जाया करती थी। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में कहा कि इसको पहले विवेचना की जाए फिर गिरफ्तारी की जाए। उस विवेचना को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारा जो कांग्रेस पार्टी का 1985 का जो वो था नियम था उसको बदलने का प्रयास किया है और अपनी एक नई संघ की नीति के साथ मिलकर एक नया कानून बनाने का प्रयास किया है। उसके विरोध में हम लोग ज्ञापन देने गए थे और वो ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा और उसको भेजा। कांग्रेस की सरकार द्वारा 1989 में जो एक अधिनियम पारित हुआ था अनुसूचित जाति और जनजाति के संरक्षण के लिए, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मंशानुसार काम कर रही है, उस अधिनियम पर एक प्रकार से काट छाट करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से इनके हितों में की अनदेखी होगी। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन सौंपा जो कि राष्ट्रपति जी के नाम से और राज्यपाल जी के माध्यम से वहां तक जाएगा।
ये अनुसूचित जनजाति का प्रकरण जो सर्वोच्च न्यायालय में ये केंद्र सरकार ने उसको जबरदस्ती हरिजन आदिवासियों के साथ कुठाराघात कर रही है। ये कुठाराघात ये ऊपरी तरफ से शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री हैं वो दिखावा कर रहे हैं कि अनुसूचित जनजाति को हम अपने पक्ष में रखते हैं, हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में आरएसएस के द्वारा दबाव में उनके खिलाफ केंद्र सरकार अनुसूचित जनजाति के खिलाफ वो कुठाराघात कर रही, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष और दीपक बावरिया जी, राहुल गांधी जी जो अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके निर्देशानुसार हम लोग ज्ञापन दिए हैं।